हाँ सांसद ही जीतेंगे वो, जो युवा के बारे में सोचे, रोजगार दे, समझे लोगों के पास जॉब हो। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां और तब तेज हो गई जब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुन लिया। आपको बता दूं बीजेपी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी चुन लिया है, सदर विधायक मनीष जायसवाल को। अभी फिलहाल हम लोग हजारीबाग के उस जगह पर मौजूद हैं जहां से यूं कहें कि राजनीति की शुरुआत होती है, चाहे वहां धरना हो, धरने की बात होती हो या चाय की टपरी पर बैठकर राजनीतिक बात, और उस वक्त भी राजनीतिक बातें यहां होती हैं जिस वक्त चुनावी हस्तक्षेप कुछ नहीं होता है। जी हां, हम मौजूद हैं ओल्ड समाहरणालय हजारीबाग के पास। अब यहां आम लोगों से ही जानेंगे कि वो मनीष जायसवाल के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने प्रत्याशी के बारे में क्या सोचते हैं, वो कितना पसंद करते हैं क्या नापसंद करते हैं। आइए अब डायरेक्ट उनसे ही जुड़ाव करते हैं। अच्छा, कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पे, कहाँ से हो भाई, इधर घूम जाओ। हजारीबाग से। मनीष जायसवाल को जानते हैं? जी जानते हैं। अच्छा, वो तो अब सदर विधायक हैं अभी, और अब तो सांसद के लिए वो बीजेपी उनको टिकट दे दी है, तो क्या सोचते हैं उनके बारे में? उनके बारे में बस अच्छे ही सोचते हैं, जो सोचते हैं जो बनेंगे हमारे हजारीबाग के लिए अच्छी बात है, और क्या। बहुत शुक्रिया। और आप क्या सोच रखते हैं, स्टूडेंट हैं? जी हाँ स्टूडेंट है। क्या सोच रखते हैं? बढ़िया सोच रखते हैं ताकि हमारा हजारीबाग का बढ़िया विकास हो। अभी तो सिर्फ सदर विधायक थे, अब कल होकर के मान लीजिए सांसद बन जाते हैं तो क्या और बड़ा काम करेंगे? जी हाँ बढ़िया बड़ा काम करेंगे। बढ़िया, बहुत शुक्रिया। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे चाय की टपरी पे भी जा करके जानते हैं कि लोगों की क्या सोच है मनीष जायसवाल के विषय में। और आपको एक बात और बता दूं कि हजारीबाग अपडेट्स तब से ही लगातार आपको अपडेट देता आ रहा है, जिस वक्त से बीजेपी पार्टी ने अपना टिकट के लिए प्रत्याशी चुना, उस वक्त से लेकर के हजारीबाग में कल जब हजारीबाग में जब आगमन हुआ मनीष जायसवाल का, तब तक की अपडेट आपने देखी। अब लोगों से ही हम लोग जानते हैं कि वो लोग कितना पसंद करें। अब एक और चाय की टपरी पे हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक उम्रदराज व्यक्ति, कितने साल से चाचा आप यहाँ पे चाय बेच रहे हैं? हम तो यहाँ 55 साल से। 55 साल हो गए। अच्छा मनीष जायसवाल जी अब तो सदर विधायक तो हैं ही, अब साथ में सांसद का भी चुनाव लड़ेंगे, क्या सोच रखते हैं उनके? बढ़िया अच्छा आदमी है। आदमी अच्छे हैं? ठीक है। कैसे पता चला आदमी अच्छे हैं? तो हम लोग इतना दिन से हैं ना यहाँ, समझ जा रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रोहन प्रसाद मेहता। चलिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पे चाय की टपरी में भरी दोपहरी में आप देखेंगे बहुत भीड़ भाड़ है। आप कहाँ, हजारीबाग से हैं? हजारीबाग से हैं लेकिन मेरा क्षेत्र ये नहीं है, मेरा कोटरमा क्षेत्र है। चलिए कोई नहीं, आपके क्षेत्र में भी आकर के हम लोग जानेंगे। यहाँ पे भी कुछ युवा जो है नजर आ जाएंगे। आपके विधायक मनीष जायसवाल है? नहीं नहीं। आपका क्षेत्र कौन सा पड़ता है? अदर स्टेट है। फिर आपसे आपके अदर स्टेट जा करके पूछेंगे। आपका घर कहाँ है? यही हजारीबाग। हजारीबाग। विधायक कौन है? मनीष जायसवाल। आप तो सांसद के लिए चुनाव प्रत्याशी भाई बन गए हैं, तो क्या लगता है, क्या सोच रखते हैं मनीष जायसवाल के बारे में? बहुत बढ़िया सोच रखते हैं मनीष जायसवाल, इतना अच्छा काम किए कि उसको प्रमोशन किया गया है, जयंत सिन्हा के जगह में मनीष जायसवाल को रखा गया। ये बीजेपी की सोच अच्छा सोच है युवा को आगे बढ़ाने का। क्या लगता है जीत जाएंगे? 100% जीत श्योर है मनीष जायसवाल जी का। चलिए बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मंडल। सुनील जी बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि मनीष जायसवाल जन जन के प्रिय थे, लोगों से उनका काफी जुड़ाव था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि अगर मनीष जायसवाल जो सदर विधायक हैं अभी, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है सांसद प्रत्याशी के रूप में, तो आखिर सदर विधायक के लिए बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी चुनती है, ये चीज भी हम आपको नहीं बताएंगे, यहाँ के लोग आपको बताएंगे। इसे लेकर के भी यहाँ के कुछ लोगों से ही बातचीत करते हैं। अच्छा, यही क्षेत्र पड़ता है सदर? पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्षेत्र आपका ये पड़ता है कि नहीं। अच्छा विधायक जी, जो सदर विधायक है मनीष जायसवाल, अब तो वो सांसद के लिए चुनाव प्रत्याशी बन गए है ना, बीजेपी ने बना दिया, तो विधायक के लिए अब क्या कोई नाम आपके जहन में आता है? युवा को आना चाहिए। युवा को आना चाहिए, युवा को आना चाहिए, युवा को तो आना चाहिए, युवा हम भी हैं आप भी हैं, लेकिन हम लोग तो विधायक ही नहीं लड़ेंगे, क्या लगता है बीजेपी किसको टिकट दे? लिए काम करते उनके लिए करना है। जैसे युवा में आता है हर्ष मेरा, क्षेत्र में भी काम करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में बढ़िया काम है, सामाजिक सेवा में अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं हर्ष मेरा जी, आपसे भी बात करेंगे? उनका है अपना हॉस्पिटल, समाज के लिए भी काम करते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ जहाँ देखते हैं फेसबुक के माध्यम से देखे ही जाता है। के माध्यम से समाज कार्य करते हैं? हाँ जी, हम तो वहीं देखे हैं फिलहाल। आप वहीं देखे? हाँ। मिले हैं उनसे? हाँ, एक दो बार मिले। कैसे आप? ठीक है, हमारे लिए तो ठीक। क्या बोलना चाह रहे हैं सुनील? मैम बोलना चाह रहे हैं, जो हर्ष अजमेरा के बारे में बताया, तो हर्ष अजमेरा एक ऐसा इंसान है, युवा का धड़कन बन चुके हैं, युवा क्षेत्र में वो धड़कन बन चुके हैं, और सारे नौजवान जो है हर्ष अजमेरा के साथ रहते हैं, उनका उसका अनुशासन का पालन करते युवा लोग। अभी जो विधायक जो सीट खाली होने वाले हैं,
हम लोग सुन रहे कि हर मनीष जायसवाल यदि एमपी बन जाते हैं तो हर्ष अजमेरा जी यदि आते हैं तो बहुत बेहतर होगा युवा के लिए, क्योंकि युवा और जिस तरह बीजेपी युवा का सपोर्ट कर रहे हैं, युवा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो युवा के लिए बेहतर होगा हर्ष अजमेरा जी। और बहुत अच्छे इंसान भी, यदि पर्सनल आप उससे मिलिएगा तो बेहतर इंसान नज़र आते हैं और उस पर कोई दाग नहीं, बेदाग इंसान है, कोई मतलब नहीं किसी से झंझट वजन, अच्छा इंसान है, सामाजिक कार्यकर्ता बहुत बढ़िया, सामाजिक से मिल जुल के रहते हैं और गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, जिससे गरीब लोग से ऐसा नहीं कि वो पैसा वाले तो गरीब लोग से बात नहीं करते, मिल जुल के रहते हैं और अच्छे से बात। क्या लगता है बीजेपी हर्ष अजमेरा को टिकट देगी? एकदम सोच तो वही है, दे या ना दे ऊपर वाले की, ऊपर कमान की बात है। लोग के जहन में क्या और भी कोई एक दो नाम आ रहा है क्या विधायकी के लिए? वैसा तो युवा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, के बाद वैसा कोई व्यक्ति भी नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ टक्कर के थे, बढ़िया थे, बढ़िया थे, इसीलिए तो प्रमोशन किया गया ना, इसीलिए तो मनीष जायसवाल को प्रमोशन, जीत ही जाएंगे वो, जीत जाएंगे। अजमेरा जी को ही मिल जाता तो बेहतर होता और पूरा हजारीबाग सदर के लिए बहुत बढ़िया होता। आप यही के हैं अंकल? नहीं, यहाँ के नहीं है। अच्छा, यहाँ के नहीं है, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। यही के हैं चाचा? इतना दूर से आके चाय पी रहे हैं यहाँ पे? नहीं तो हम यहाँ पे हैं ही नहीं, तो हम बाहर का रहने वाले, बिहार का रहने वाले। आप यही के हैं, इधर आइएगा थोड़ा सा। यहाँ आपके विधायक कौन है? मनीष जायसवाल थे, अब तो लोकसभा में जल गए। तो अच्छा, एक बात बताइए, बैठिए जरा, बैठ जाइए। मनीष जायसवाल तो अभी विधायक हैं, लेकिन वो सांसद के लिए अब बीजेपी उनको चुन ली है, तो क्या लगता है अब यहाँ पे कुछ जहन में आता है कौन बनेंगे विधायक? सुन रहे हैं कि हर्ष अजमेरा ठीक है, और देखे मतलब जब से मैं यहाँ रह रहे हैं, बहुत दिन से नहीं रह रहे हैं, घर बनाए हाल फिलहाल में, तो हर्ष अजमेरा बहुत नाम सुने, अच्छा है। कौन है हर्ष अजमेरा? ये आरोग्यम अस्पताल जो जिसका डायरेक्टर है वही है, देखे भी एक दो बार लेकिन मिले नहीं फेस टू फेस। और कोई नाम? यार वैसा कोई नाम नहीं यहाँ पे। क्या नाम हुआ? शंभू प्रसाद। चलिए शंभू जी, बहुत शुक्रिया। अब चूंकि ये तो है ही नहीं यहाँ के, ये यहाँ के है ही नहीं, अब चूंकि मनीष जायसवाल काफी लोकप्रिय सदर विधायक रहे हैं और बीजेपी ने टिकट दे दिया है अब उनको सांसद प्रत्याशी के रूप में, अब देखना ये लाजमी होगा कि ये जो चुनावी सिलसिला आगे चलेगा विधायकी को लेकर के, अब उसमें बीजेपी किसको टिकट देती है। चलिए ओल्ड समाहरणालय के बगल में तो हम लोग थे, अब उसके बाद कहीं और क्षेत्र में जाकर के पूछते हैं कि मनीष जायसवाल के जैसे लोकप्रिय नेता के टक्कर में, के समानांतर में लोग किनको पसंद कर रहे हैं। सदर विधायक की टिकट अब बीजेपी किसको देगी, इस प्रश्न चिन्ह के को लेते हुए हम लोग आ गए हैं झील परिसर में। आपको बता दूं, हृदय स्थलीय झील कहलाता है पूरे हजारीबाग का, और जिस तरह ओल्ड समाहरणालय के आसपास राजनीति की शुरुआत होती है, ठीक उसी तरह स्वस्थ शरीर की शुरुआत आप कह सकते हैं झील से होती है। यूं तो सुबह सवेरे यहाँ पर आपको लोग वॉक करते हुए, चाय पीते हुए, डाब का पानी पीते हुए नजर आ जाएंगे, शाम होते ही यहाँ पे कोई ऐसे युवा आप में से भी नहीं होंगे दर्शक जो झील के दर्शन ना किए हों। अब चलिए आते हैं युवाओं से और बाकी परिवार जो भी लोग मिलेंगे उनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिरकार इस विधायक के रेस में कौन उन लोगों के जहन में या दिलो दिमाग में है। तो यहाँ कई लोग आपको वॉक करते हुए, बैठे हुए इस तरफ भी लोग नज़र आ जाएंगे, और ज़्यादातर इस तरफ जो है आपको युवा नज़र आ रहे होंगे या फिर नव विवाहित उधर दंपति नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे भी एक युवक खड़े हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। अरे आप उधर क्यों जा रहे हैं? अभी नहीं, अच्छा वो बाद में बोलेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक फैमिली भी बच्चों के साथ बैठी हुई है, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। यही के हैं भैया? अब आपके जो हम किधर बैठ जाएं? इधर बैठते हैं बच्चा। विधायक आपके तो मनीष जायसवाल हैं यहाँ, लेकिन उनको तो बीजेपी अब टिकट दे दी है सांसद का। हाँ तो प्रॉब्लम है क्या उससे? तो कैसे आदमी है मनीष जायसवाल? बहुत अच्छे आदमी है, शुरू से हम लोग उनके सपोर्ट में रहे हैं। हमारे अब उनके जो पिताजी बादुल जायसवाल साहब हैं, समझे, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा से हम लोग जानते हैं उनको। तो क्या लगता है सांसद जीत जाएंगे? हाँ सांसद ही जीतेंगे वो। उसमें सदर विधायक के लिए जो यहाँ सीट खाली रह गया है, प्रश्न चिन्ह जो है, तो क्या लगता है कुछ है जहन में नाम? सदर विधायक के लिए हमारे एमपी साहब जयंत सिन्हा तो थे पहले एमपी। अच्छा, सांसद से फिर एमएलए बनेंगे? एमएलए तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन दूसरा अभी वैसा कोई तो है नहीं उनके। कोई किन्हीं का तो चुनाव आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ के हैं, तो किन्हीं का चुनाव तो करना होगा सदर विधानसभा के लिए। सदर विधानसभा के लिए किसी
अभी वैसा प्रत्याशी भी नहीं है ना कोई, कांग्रेस से भी वैसा अच्छा उम्मीदवार है नहीं, तो बीजेपी जो जिसको टिकट देगी उनको वोट देना है। बीजेपी जिसको टिकट देगी, जिसको जिसको भी बीजेपी वोट ये टिकट देगी उन्हीं को वोट दे देना। चलिए, और उस तरफ भी कुछ युवतियाँ, बहुत शुक्रिया आपका, युवतियाँ कुछ इस तरफ बैठी हुई हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। सब आप लोग हजारीबाग के हैं? जी हाँ, हजारीबाग से। सब हजारीबाग से ही है। झील परिसर में बस आए बैठे हुए, तो हम माइक उस तरफ भी लगाएंगे क्योंकि माइक फिर आवाज़ कैच नहीं करेगा, हमारे दर्शक बोलेंगे आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पे हम लोग बैठने के लिए आए हुए थे, थोड़ा ठंड ठंड हवा लेने के लिए, अच्छी लगती है यहाँ पे बैठने में, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। अभी विधायक कौन है आप लोगों के? हमारे तो अभी मनीष जायसवाल है हजारीबाग के। जी, उनको तो सुनने में आ रहा है भाई बीजेपी टिकट दे दी है सांसद के लिए। हाँ, ये तो बात सही है, उनको क्या लगता है कि वो जीत जाएंगे सांसद? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो जीत जाएंगे, वो बहुत अच्छे हैं और लगता है हमें कि वो कर सकते हैं। हाँ, उस लाइक भी है वो। आप लोग वोट देती हैं? अब फिलहाल तो अभी तक एक बार भी वोट नहीं दिए हम लोग। ये पहला रहेगा? जी पहला रहेगा। तो क्या लगता है कि अभी सदर विधायक, सदर विधानसभा का तो सीट यहाँ पे खाली हो गया है समझिए मनीष जायसवाल के बाद, तो आप लोग युवा हैं, कुछ जहन में है नाम की निका? जी, हर्ष मेजरा है, वो विधायक में खड़ा होने लायक है। अच्छा जी, क्या है स्पोर्ट्स, क्या बोल रहे हैं? वो स्पोर्ट्स वगैरह कराते हैं बहुत यंग, फेसबुक में तो बहुत सारा उनके बारे में देखे हैं, इसलिए वो हो सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। सामाजिक आदमी है वो। हाँ, तो यंग ही हम लोग को चाहिए अभी यहाँ के। हाँ, ताकि वो हम लोग के लिए कुछ कर सके, वो नया सोच लाए, क्योंकि यंग लोग के पास नए नए आइडियाज होते हैं ना, कैसे डेवलप करेगा, इसलिए वो सर अच्छे हो सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से ये लोग हर्ष अजमेरा के बारे में जो है जान रही हैं, और आजकल की युवतियां जो हैं ढूंढ रही है कोई ऐसे युवा हैं जो नई सोच के साथ नया डेवलपमेंट कर सकें। आप लोगों के जहन में कोई है क्या? हाँ, हमारे जहन में भी यही हर्ष जी है। हर्ष जी के बारे में मैंने बहुत यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी देखा है, वो मुझे भी लगता है कि अगर इन्हीं को बनाया जाए तो अच्छा रहेगा, वो मतलब हम लोग लड़कियों के बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। और एक दफ़ा हम हर्ष सर से मिले तो फिर मुझे वो बहुत अच्छे लगे हैं, और मुझे भी लगता है कि इन्हीं को ही बनाना चाहिए, बहुत अच्छे रहेंगे ये। अब चलिए कुछ और टोलियों से पूछते हैं हम लोग। युवाओं की टोली आपको नजर आ रही होंगी, और कुछ इस तरह से ही रफ ड्राइविंग करते हुए भी कुछ युवा नजर आ जाते हैं। लिया गया है बीजेपी के तरफ से टिकट, दे दिया गया है मनीष जायसवाल को, जो सदर विधायक आप लोगों के, तो क्या लगता है, कुछ जहन में आता है किन्हीं का नाम? किन्हीं का नाम पहले थे, क्या नाम है, कौन, जयंत सिन्हा थे उनके, सदर विधायक के लिए पूछ रहे हैं। विधायक के लिए किन्हें दिया गया? सदर विधायक आपके मनीष जायसवाल हैं, जिनको सांसद का टिकट दे गया। हाँ, अब विधायकी का जो ये सदर विधायक विधानसभा क्षेत्र है वो तो अब खाली हो जाएगा ना, तो क्या कुछ जहन में है कि भाई ये विधायक बनने लायक है? वैसा तो कुछ जहन में नहीं है। किस तरह का विधायक ढूंढते हैं? जो युवा के बारे में सोचे, रोजगार दे, समझे लोगों के पास जॉब हो, हजारीबाग को डेवलप के बारे में सोचे, अपना झोली भरने के लिए बारे में नहीं सोचे, वैसा विधायक होना चाहिए। वोट देंगे आप लोग, बनाएंगे आप लोग, और फिर ढूंढिएगा आप ही लोग ना आखिर। अगर हम वोट ना देंगे, एक आदमी हम अगर वोट नहीं देंगे तो भी विधायक बनेगा? कोई ना तो कोई वोट देगा ही देगा। दूसरा बात है कि अगर जो प्रत्याशी अपना वादा करता है अगर वो पूरा नहीं करेगा तो 5 साल के बाद चेंज होगा, ऑटोमेटिक फिर आएगा, वो भी पूरा नहीं करेगा तो चेंज तो होवे करेगा। ये संविधान का बना हुआ है कि कोई ना कोई विधायक बनवे करेगा, समझे ना। अब सब अपना देखता है, कोई अगर वैसा हो तो ठीक है, ये सब अपना देखने का चक्कर में रहता है। चंदन कुमार यादव होता है। तो बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे भी युवाओं की टोली कुछ ऐसा ही बातचीत, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ हजारीबाग के हैं? हजारीबाग नहीं, हम बिहार के हैं। अच्छा, बिहार। हजारीबाग में भी आजकल टोटो चालक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी यहाँ से वहाँ जाना हो तो टोटो चालक का सहारा आप लेते हैं, और चूंकि यहाँ झील परिसर में आपको कई टोटो चालक दिख जाएंगे तिलक उलक लगाते हुए। क्या नाम हुआ भैया? हरेंद्र पांडे। अभी तक में उनको लगता है दिन भर में कितना सवारी को बिठाते होंगे आप? अभी तो बहुत कंपटीशन हो गया, अब पहले सा बाजार नहीं रहा। अब नहीं, शुरुआत में जब टोटो निकला था तब अलग बात, उस समय अलग बात, 1000-2000 लोग कमाते थे। मनीष जायसवाल को जानते हैं? हाँ, विधायक है यहाँ के। तो कैसे आदमी है? अच्छे व्यक्ति हैं वो। हाँ, काम करते हैं, जीतेंगे, जो काम करेगा वही जीतेगा। तब तो सदर विधानसभा क्षेत्र का तो खाली रह जाएगा। खाली होगा तो फिर कोई विधायक बनेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि खाली छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग के ई में भी बैठते होंगे टोटो में, कई लोग बैठते होंगे, तो कुछ राजनीतिक चर्चा कुछ लोग करते हुए नजर आए? तो यहाँ पर अभी इस बार बीजेपी ही जीतेगी, सरकार भी बीजेपी का बनेगा, यही चर्चा। हाँ, झारखंड में सरकार ही बनेगा। क्या लगता है आप लोगों के जहन में कोई है कि हाँ भाई हमारे हजारीबाग सदर विधायक बन सकते हैं?
ऐसा तो अभी नहीं है, लेकिन जो भी बनेंगे वो अभी तो जीतेंगे ही, वो जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ बीजेपी अच्छा काम, हम केंद्र से लेकर यहाँ तक अच्छा काम कर रही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। आप भी भैया यहीं के हैं? बरकट्ठा क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, बरकट्ठा क्षेत्र। अब हजारीबाग के यूं कहें कि शैक्षणिक और आर्थिक दोनों ही रूप से संबल होते, विकसित होते जगह पर आ गए। जी हाँ, मटवारी में आप पहुंचे हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बिजनेसमैन है पेड़ के नीचे में, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनको भी हमेशा जाते आते हम लोग देखा करते हैं। ये बेंच कस्टमर के लिए लगवाए हैं भैया? जी हाँ। कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 25 साल हो गया लगभग। 25 साल हो गया। विधायक कौन है आपके? मनीष जायसवाल। अच्छा, उनको तो बीजेपी टिकट दे दी आप सांसद के लिए, तो क्या लगता है सांसद ही जीत जाएंगे वो? पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो आप जब वो सांसद के लिए खड़े हो जाएंगे तो सदर विधानसभा क्षेत्र में क्या कोई आप लोगों के मन में है ऐसा नाम कि भाई हाँ ये विधायक बनने लायक है हजारीबाग के? अभी तो बोला नहीं जा सकता है इसके बारे में। कुछ वैसा नहीं है मन में? क्या नाम हुआ? उमेश कुमार दास। उमेश जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, युवा ही बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ भाई? मुकेश कुमार। कहाँ घर हुआ? सिंघानी के हम। विधायक कौन है? विधायक मनीष जायसवाल ना। भाई उनको टिकट दे दी है बीजेपी की, सांसद के लिए लड़ेंगे? लड़ेंगे तो हम लोग का है, सपोर्ट देंगे। तो फिर यहाँ फिर एमएलए कौन बनेंगे सदर विधानसभा में हजारीबाग? मैम तो पता नहीं अभी। कुछ है आप लोग के मन में नाम कि भाई हाँ इन लोग को वोट देना चाहिए? मन में तो कोई बात नहीं अभी किसी के लिए। आपके मन में है क्या? नहीं। आप लोग के मन में है? किन्हीं के मन में नहीं है? अरे मन की बात किया कीजिए आप लोग। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आवाज़ नहीं आएगी, इधर आ जाइए। नेताजी हम लोग पास आएंगे तब ना बात करेंगे कि कौन क्या है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे भी कुछ फैमिलीज हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सवाल हमारा वही है कि अगर मनीष जायसवाल सांसद के लिए खड़े हो रहे हैं तो आखिर सदर विधानसभा क्षेत्र जो है वो खाली पड़ जाएगा, वहाँ पे प्रश्न चिन्ह है कि कौन आ सकते हैं। यहाँ भी कुछ युवा ही हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ? अरे नहीं, मेरा नाम है ललिता सांगा, मैं हजारीबाग सीतागढ़ की रहने वाली हूँ। विधायक कौन है अभी? अभी तो ये नीतीश जी। नीतीश जी विधायक है? हाँ। विधायक कौन है यहाँ के? मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल। अच्छा, उनको तो बीजेपी टिकट दे दी है सांसद के लिए, तो यहाँ का विधानसभा क्षेत्र तो खाली हो जाएगा। क्या लगता है बीजेपी किसको टिकट देगी, या फिर सदर विधानसभा क्षेत्र खाली होने के बाद कौन विधायक बनने लायक है? कुछ आप लोगों के मन में है ऐसा? वे हर्ष जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उनसे मिली हैं आप? नहीं मिले तो नहीं हैं, लेकिन कैसे पता चला, कैसे अच्छा बोल रही हैं? नहीं, एक दिन हॉस्पिटल गए थे किसी काम से, ठीक है, तो वहाँ पे आयुष्मान का ये इलाज होता है। हाँ, तो मेरा भी आयुष्मान से इलाज हो गया था वहाँ पे, और जितनों का आयुष्मान में नहीं हो पाता है उनका आयुष्मान में हेल्प करते हैं सर। हाँ। और आपके जहन में कोई है, कुछ है? जी, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इधर। कहाँ? कौन? हर्ष अजमेरा जी। जी, क्योंकि वो रामलीला कुछ उतना तो पता नहीं है, पर वो कराए थे, तो इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि उनको मतलब सब उनको सपोर्ट करते हैं। सवाल हमारा वही है कि विधानसभा क्षेत्र के आखिर कौन प्रत्याशी होने चाहिए या कौन विधायक होने चाहिए सदर विधानसभा के? लोगों के जहन में जो भी और सवाल हैं जो उनको अपने प्रत्याशी से करने हैं, नेता से करने हैं, या जो भी जवाब है वो आप लोगों को हमारे जरिए पहुँच पा रहा है। अब आइए कुछ और लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। हजारीबाग मटवारी गांधी मैदान में आ गई हूँ और सवाल हमारा वही रहेगा कि मनीष जायसवाल के बाद अब विधानसभा क्षेत्र के, सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कौन रहेंगे? आपको बता दूं ये मटवारी गांधी मैदान साक्षी है कई राजनीतिक सभाओं महासभाओं का, साक्षी है यहाँ पे खेल दिन रात होते हैं, साक्षी है कई मेलों का, लोगों के पूजा पाठ का, श्रद्धा का और कई चीजों का साक्षी है। अब यहाँ कुछ लोग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो फिलहाल हम लोगों को यहाँ मिल गए। अच्छा, विधायक कौन है आपके? मनीष जायसवाल। तो आप तो उनको बीजेपी दे दी टिकट सांसद के लिए? हाँ, अब सांसद दे दे हम लोग और खुशी है। खुशी है, बहुत बड़ा खुशी है। ये तो खुशी वाला बात आप बता दिए चाचा, लेकिन अब प्रश्न चिन्ह ये लग गया कि अगला जो है विधानसभा सत्र के विधायक कौन बनेंगे, कुछ है जहन में? अभी तो मालूम नहीं है, मालूम होने पर बता देंगे। कुछ जहन में होगा कि अच्छा काम कर रहा है? अभी बहुत सारे नेता लोग है उसके बारे में पता नहीं। क्या नाम हुआ?
कैलाश गोस्वामी। चलिए बहुत शुक्रिया। आप क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या बोलते हैं बीजेपी अब किसको टिकट देगी? आप लोग अंदरूनी बात तो जानते होंगे कि भाई नहीं, ऐसा तो अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन हमारे मनीष जायसवाल जो हैं वो अभी ये जीत गए जी। कोई तो ढूंढना पड़ेगा आप लोग को ना टक्कर का, बीजेपी खड़ा करेगी। बोल रहे हैं मनीष जायसवाल भाई जीतेंगे। सांसद रहत खून है जीतत खून, तो विधायक के बनत खून? अच्छा विधायक, विधायक अभी हम अभी तो उसका नाम तो अभी नहीं हम बता सकते हैं, बड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूज में अभी है। अच्छा, इसके लिए हम अभी नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ, मेरा नाम छोटन राणा। बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ और माफ़ी चाहेंगे, यहाँ कुछ और लोग भी हैं, युवा भी हैं हमारे साथ, और हाँ जी उनको वो भी बात करना चाहते तो उनको भी बुला लीजिए। क्या नाम है अंकल जी? विजेंदर सिंह। आप बीजेपी से हैं क्या? हम किसी पार्टी से नहीं। चलिए फिर आपसे बात करने में मजा आएगा। अभी सदर विधायक मनीष जायसवाल हैं आपके? बिल्कुल हैं। और बीजेपी जो है थोड़ा सा उसको बंद कीजिएगा, बीजेपी जो है टिकट दे दी है अब सांसद प्रत्याशी के लिए उनको। किसी प्रत्याशी को बीजेपी यहाँ टिकट देगी वो जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। हाँ, चाहे मनीष को दे चाहे जयंत सिंह को, सिन्हा को दे, कोई जीतेगा, दोनों में से कोई जीतेगा। थोड़ा सा आपका वक्त लेंगे, इसको थोड़ा बंद कर दीजिएगा। अच्छा, अब जैसे सीट यहाँ का हो जाएगा खाली विधायकी के लिए, सदर विधायकी के लिए, तो क्या लगता है किसको मिलना चाहिए टिकट? अब उसमें संगठन जो अपना सर्वे करके आंकड़े के मन में कुछ है नाम कि भाई यहाँ ये अच्छा काम कर रहा है, इसको मिले तो ये बढ़िया विधायकी निभा लेगा? स्थानीय लोगों को विधायक का सीट मिलता है, स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। जैसे कुछ नाम में बहुत सारे हैं कैडर में, जिसका लॉटरी लग जाए, एक दो रहे तब ना नाम बता दें, बहुत लोग हैं। कुछ नाम बता दीजिए ताकि हम लोग का, दर्शकों का भी कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो। ना ना, वो हमारे हम कहने से नहीं होता है, वो भाजपा का संगठन है, वो अपना नाम च्वाइस करके जिसको देगा वो जीतेगा, निश्चित विधायक भी जीतेगा। सदर विधायक मनीष जायसवाल का सीट जैसे ही लोकसभा सांसद प्रत्याशी के लिए चुना जाता है बीजेपी की तरफ से, हम आ गए राय जानने के लिए चाय की टपरियों पे, मटवारी गांधी मैदान से लेकर सड़कों तक, कि आखिर लोग मनीष जायसवाल के सांसद प्रत्याशी हो जाने के बाद क्या रखते हैं जहन में, क्या राय रखते हैं विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, उनकी क्या राय थी आपने जानी, आपकी भी जो राय है कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाए। फिलहाल इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी सांसद प्रत्याशी को नहीं चुना है, जैसे ही वो अपने सांसद प्रत्याशी का नाम अनाउंस करेंगे हम फिर चल पड़ेंगे इस भ्रमण पर और आप तक रूबरू कराएंगे लोगों की राय तक। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया। मैं अपराजिता।